एग्जॉस्ट में ज़बरदस्ती ऐसा लग रहा है कि क्रोम आजकल चल रहा है तो इसमें घुसाड़ देते हैं बस कहीं पे भी क्रोम। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सुजुकी जिक्सर 155 के कुछ ड्रॉबैक्स बताऊंगा। और अगर आपने पॉजिटिव पॉइंट्स वाली वीडियो या इसका टोटल रिव्यू देखना है तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। तो जो सबसे पहला ड्रॉबैक है वो इसका टर्निंग रेडियस। अगर आप देखें यहाँ पर इसका हैंडल बिल्कुल सीधा है और सिर्फ लेफ्ट की मूवमेंट इतनी। मैं आपको ड्राइव करके दिखा दूंगा कि इसका टर्निंग रेडियस कितना कम है। दूसरे जो ड्रॉबैक है वो है इसके इंजन में। इसमें आपको ना ही ऑयल कूलिंग मिलती है ना ही आपको लिक्विड कूलिंग मिलती है। ये एयर कूल्ड इंजन है और मेरे अकॉर्डिंग एयर कूल्ड इंजन इतने कामयाब नहीं होते लॉन्ग राइड्स पे। और सेकंड, इसको फ्यूल इंजेक्शन कर तो दिया, फ्यूल इंजेक्शन करने के चक्कर में इस बाइक के इंजन की पावर स्लाइटली कम हो गई है। बहुत मेजर फ़र्क नहीं है, 0.6 PS की ही पावर कम हुई है, बट इतना भी मायने रखता है। और साथ ही में आपको यहाँ पे फ्रंट में वाइज़र नहीं मिलता तो विंड ब्लास्ट की दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी। इससे बेसिकली बाइक के एरोडायनेमिक्स ख़त्म हो जाते हैं। एक इन्होंने पैनल तो दे रखा है बट आपको वाइज़र अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। 1,20,000 रुपये देने के बाद भी आपको इसमें वाइज़र नहीं मिलता। और जो एक और चीज़ है वो है इसकी ड्राइविंग पोजिशन। आप जब बाइक चलाएँगे तो आपको एक्चुअल में ऐसा लगेगा कि आपका मुँह यहाँ पर आया हुआ है, मतलब फीलिंग आप टैंक को फील नहीं कर पाएंगे। जो इन्होंने इतना ह्यूज मैसिव Z800 का चुराया हुआ टैंक है ये, मतलब बाइक देखा जाए तो थोड़ी सी चुराई हुई है। फ्रंट में यहाँ पर ये डुकाटी की बाइक का चुराया हुआ है, मैं नाम नहीं लूँगा डुकाटी की बाइक का। और इसके टैंक की बात करी जाए तो Z800 से चुराया हुआ थोड़ा सा टैंक है ये। और जो सिटिंग पॉस्चर है वो इसका BMW G310R वाला सिटिंग पॉस्चर है। वो बाइक मैंने काफ़ी टाइम चलाई है और एग्जैक्ट वही पॉस्चर आपको मिलता है, जो कि अच्छी बात भी है खैर। पर जब आप बैठते हैं तो आपका मुंह बहुत ज़्यादा आगे आ जाता है और आपको ऐसा लगेगा कि अगर आपने थोड़ी सी तेज़ ब्रेक लगा दी तो आप गिर के बाइक के आगे आ जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा मुंह पे आ रही होती है बाइक कई बार। और जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो इसका प्राइस। आपको दिल्ली में ऑन रोड ये बाइक पड़ती है 1,20,000 रुपये की, और 1,20,000 रुपये में सिर्फ आपको 150 CC का इंजन मिलता है। नो डाउट फीचर्स बहुत सारे हैं, LED लाइट्स हैं, LED बैकलाइट है, रियर टायर आपका रेडियल टायर है, दोनों डिस्प्ले आपको मिलती हैं, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। बट 1,20,000 रुपये में बुलेट स्टैंडर्ड भी आपको मिलने को हो जाती है, मतलब थोड़े से पैसे और आप डालेंगे तो रॉयल एनफील्ड आपको बुलेट स्टैंडर्ड मिल जाएगी। साथ ही में आपको अपाचे 200 मिल सकती है, आप पल्सर 200 NS खरीद सकते हैं, KTM की जो नई 125 आई है, खैर CC कम हो जाएगी बट स्टिल KTM वाला नाम हो जाएगा। फिर प्राइस के बाद इसके लुक्स की बात करिए तो नो डाउट बाइक के लुक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एग्रेसिव लुक्स हैं। बट जो दो चीज़ें बहुत बेकार मुझे लगी कि पूरी बाइक में कहीं पे भी क्रोम का यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर एग्जॉस्ट में ज़बरदस्ती ऐसा लग रहा है कि क्रोम आजकल चल रहा है तो इसमें घुसाड़ देते हैं बस कहीं पर भी क्रोम, जो कि एक्चुअल में देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। एग्जॉस्ट ट्विन बनाया है देखने में कि अच्छा लगे, बट ये बहुत ज़्यादा ना कॉकरोच वाली फीलिंग दे रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब जो चीज़ कॉकरोच को देख के मुझे फील होती है वो चीज़ मुझे ये दो चीज़ों को देख के हो रही है, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा एक्चुअल में ये। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, बट ये मुझे नहीं अच्छा लगा, बहुत नेगेटिव चीज़ है इस बाइक की। सेकेंड, ये प्लास्टिक जो यहाँ पर यूज़ कर रखा है, ऑब्वियसली बात है प्लास्टिक यूज़ होता है, बट जिस तरीके से इन्होंने इसका लेआउट करा है इसको थोड़ा पतला कर सकते थे। जो BMW अगर कुछ कुछ पार्ट्स चीज़ें BMW की चुराई हैं तो इसमें वो इस चीज़ को पतला रख सकते थे। BMW की G310R में ये चीज़ पतली है, इतनी चौड़ी नहीं है, तो अगर आप रियर लुक देखें तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ इससे ज़्यादा चौड़ी है, जो कि एक्चुअल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बाइक की डायमेंशन है वो पीछे आके शार्क फिन की तरह आनी चाहिए, जो कि हर बाइक में होता है, बट ये चीज़ उन्होंने चौड़ी करके मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी। तो ये थे इसके नेगेटिव पॉइंट्स। अगर आपको पॉजिटिव पॉइंट्स वाली वीडियो देखनी है, टोटल रिव्यू देखना है, टेस्ट राइड देखनी है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को विजिट करें, वहाँ पर सारी वीडियोज़ बना रखी हैं, सारे ही आपको गाड़ी बाइक के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं वहाँ पर। तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल पर लाइक करें, हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर करें, और जहाँ से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता तो पर सोचेगा मत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जयराम जी की।